बधाई लेते लेते थक गए लगते हो, हैं? बधाई ज्यादा हो गई ना, कम है कि ज्यादा हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ ना? अजय, यहाँ आते समय मास्टर जी ने कहा होगा वहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है, हाथ पैर नहीं हिलाना, ऐसा बोला होगा? हाँ, ये गड़बड़ है। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है आप लोगों को? मतलब क्या, मौसम अच्छा लग रहा है? राष्ट्रपति भवन देखा पूरा? और आज क्या देख रहे हैं? पेड़ पौधे। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार दिल्ली आए? अच्छा, बाकी सब बार बार आ चुके हैं, हैं? तो सब परिचित है। ये जो पीछे लोग हैं उनको लिए सवाल नहीं है मेरे, ये सब बच्चों के लिए, वरना प्रॉम्प्टिंग पीछे से हो रहा है। वैसे दिल्ली आने का अपना ही एक उत्साह होता है, लेकिन मुझे पता है कि आपको जरा जल्दी जाने का मूड करता होगा घर जाने का। देखिए, पक्का आपको मन करता होगा जल्दी घर जाएं, क्या क्या हुआ दोस्तों को बताएं, फोटो दिखाएं, अपना अवार्ड दिखाएं, दिल्ली के अनुभव सुनाएं, दिल्ली की ठंड कैसी है वो बताएं, ऐसा मन करता है ना? किसी का भी करता है जी, अपने साथियों को अपनी अच्छी अच्छी बातें बताने का मन हर किसी को करता है, आपको नहीं करता है? देखिए, पूरी यात्रा की ढेर सारी कहानियां होगी जो आप सुनाना चाहते होंगे। आज भले न कहते हो, लेकिन आपको मन करता है पहले जाकर के दादी जी को तो ये कहना ही कहना है, ऐसा मन करता होगा। और कुछ लोग होंगे जो घर जाके कहेंगे, देखो आप मुझे मना कर रहे थे, अब पता चला ना मैं अच्छा अच्छा काम कर रहा हूं, देखिए अवार्ड लेके आया। तब आप लोग घर में जाकर के मम्मी पापा को डांटोगे, बताओगे हाँ हाँ देखो हमारे पास फोटो है राष्ट्रपति जी के साथ, हम अवार्ड लेके आए हैं, ऐसा करोगे ना? नहीं, नहीं करोगे? ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, छुपा करके करना है, चोरी छुपी से करना, करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। ये क्या बचपन खो दिया है आप लोगों ने? अरे बचपन तो बचा रहना चाहिए, आपका बचपन खो गया है। जिसको ये मन न करे कि मम्मी पापा को जा करके ये बताऊंगा, ये कहूंगा, उनको ये सुनाऊंगा, तो फिर को आपने बचपन खो दिया अपना। हाँ, तो फिर भी मन करेगा बताने का, हैं? तो आपको अलग खुला नहीं छोड़ते हैं मम्मी पापा, पीछे लगे रहते हैं, उनको भरोसा नहीं है, छोटे बच्चे हैं क्या करेंगे, हैं? ऐसा लग रहा है ना? अगली बार बताइए उनको, मुझे अकेले कहीं जाने दो।